أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم الخير امين يا رب العالمين आज के लेक्चर में हम इन शाह तौर सूर आल इमरान की आयत नंबर 146 को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आयत में मुझे वक्फ की तीन अलामत नजर आ रही हैं लिहाजा इस आयत के हम हिस्से करेंगे चार पहला हिस्सा होगा मिन नबीहिन कातला, दूसरा होगा मा रिबी तीसरा होगा, वहनू लिमा फी वमा और जो और होगा अब जो चार हिस्से किए उनके अल्फाज पर बात करेंगे पहला हिस्सा पहला लफ्ज है दूसरा लफ्ज है कायन के बारे में नोट कर ले कि ये लफ्ज मुरकब है काफ़ तशबी और आय से लेकिन ये इसी तरह लिखा जाएगा इसी तरह पढ़ा जाएगा अब ये किन माना में इस्तेमाल होता है तो आपने लसान कोर्स में कम के बारे में पढ़ा है ना कि कम दो तरह का होता है एक कम इस्तेफामिया होता है और एक कम खबरिया होता है तो ये काय जो है ना, ये भी कम के माना में ही होता है और ये अक्सर खबरिया होता है जमहूर के नज़दीक ये इस्तामिया वाक नहीं होता इसकी तमीज़ गालिबन यानी ज्यादातर मिन के साथ मजरूर होती है उसके बाद अगला लफ्ज है मिन जो कि हरफु जर है और इसके बाद नबीन इसम आपको मजरूर नज़र आ रहा है गोया नबीन जो है ये काय की तमीज़ थी जिसपे मिन दाखिल हुआ हुआ है कातला फिली मरूफ वाहिद मुजक्कर गायब का सीघा है काफ ता और लाम इसके रूट एड्रेस हैं और काफ पे आपको खड़ी जबर नजर आ रही है लिहाजा ये का तला है, है यानी मुफा अला का पहला सीघा है फा अला के वजन पे का तला यु कातिलो मुका तन यानि जंग करना किल करना दूसरा हिस्सा जो इसके साथ ही कंसिडर किया जाएगा वो है मआू रबी यूना कसीर जिसमें मआ इसम है ज़रफ़ है और एक साथ जमीर लगी हुई है जमीर वाहिद की जमीर मजरूर मुतसिल रबी यूना पहले भी आ चुका है रब वाले यानी अल्लाह वाले और कसीर जो है ये फैल के वजन पर है ज्यादा कसीर के माना में इस्तेमाल होता है उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है इस तीसरे हिस्से में हमें तीन वाव नजर आ रहे हैं लेकिन पहला वाव जो है वो फेल के हरूफ मादा में से है यानी वाहनु वाले वाव की बात कर रहा हूँ इसके बाद जो दो वाव हैं वो अलग अलग दो जुमलों की सूरत में हमारे सामने आएंगे लिहाजा इस तीसरे हिस्से के हम तीन हिस्से बना देंगे पहला हिस्सा होगा फमा वाहनु लिमा असाबहम फ़ी सबी दूसरा होगा वमा दाउ और तीसरा होगा व अब जो तीसरे हिस्से का पहला हिस्सा है उसके अल्फाज से बात करेंगे उसमें पहला फ़ा है, है मा नफी के लिए है वाह नाजी जमा मुजक्कर सीघा है फेल मारूफ है वाओ हा और नून इसके हरूफ मादा हैं खान साहब ने वाओ हा नून को बाप दाराबाई यदरिबू से जिक्र किया है वाह ना तब्दीली के बाद वाह ना वाहनन जिसके माना जिसमानी तौर पर कमजोर होना सुस्त होना और दूसरे माना इरादा और हिम्मत का कमजोर होना यानी हिम्मत हारना और ये लफ्स पहले भी आ चुका है उसके बाद अगला लफ्ज लाम है जो कि हर्फ है हरफु जर है जिसके बाद माँ आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में तो ये माँ इसमें मौसू के तौर पर इस्तेमाल हुआ है असाबा फेल माजी मारूफ वाहिद मुजक्कर गायब का सीखा है साध वाओ और बा इसके हरूफ मादा हैं बाबाल से इस्तेमाल हुआ है असवाबा यूसविबू तब्दीली के बाद असाबा यूसीब इसाबतन पहुँचना के माना में लगना के माना में ये फ़ेल इस्तेमाल होता है हम जमीर मनसूब मुतसिल जमा मुजक्र गायब की है फ़ी हरफ़ जर है जिसके बाद सबील मजरूर इसम है और इसमें जलाला भी आपको आगे मजरूर नज़र आ रहा है तीसरे हिस्से का जो दूसरा हिस्सा है उसमें पहला लफ्जवाओ है जो कि हरफ है माँ हरफ है हरफो नफ़ी है और दाऊ एन फा, मादा को इस्तेमाल करते हुए बाब कर दाउफ़ा यदू ज आफतन खार साहब ने लिखा है कमजोर होना के माना में और आयत का रेफरेंस ये ही दिया है उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है तीसरे हिस्से का वो है वस्त कानू वाओ फिर हर्फ है माँ फिर हर्फो नफ़ी है और इस्तकानु फेल माजी जमा मुज़क़्कर गायब का सीघा है फेल मरूफ है काफ वाओ नून इसके हरूफ मादे बब इस्तेफाल से इस्तेमाल हुआ है औरजिनल था इस तकवाना यस तकविनु और तब्दीली के बाद ये बना इस तकाना यस तकनु और इसकानु जो है जमा मुज़क्र ग़ायब का सीघा है खान साहेब ने बब इसफ़ाल में इसकाना यस्तकीनों के माना लिखे हैं वजूद चाहना ही करना या झुक जाना और आयत का रेफरेंस यही दिया है तो अलहमदिल्ला जी तीसरे हिस्से के हमने तीन हिस्से बनाए थे और तीनों हिस्सों के अल्फाज पर बात मुकम्मल कर ली अब जो चौथा और आखिरी हिस्सा है शायद का वो है युहिब्बु युहबरी जिसमें वाह हरफ इसमें जलाला मरफू आप देख रहे हैं युहब फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब मारूफ का सीखा है हा ब हरूफ मादा बाबे फाल, अहबा युह तब्दीली के बाद अहब्बा युहबू पसंद करना के माना में महब्बत करना के माना में ये फ़ेल इस्तेमाल होता है और आखिरी लफ्ज साहितद का वो है असाबी रीना असाबि रीना असाबिर की जमा है और असाबिर जो है सीधा इसमिल है सबरा यसमु सबरन सब्र करना से

और फिर मुयस अपनी तमीज़ से मिलकर ये बन जाएगा मुबतदा इस मुब्तदा की खबर जो होगी वो होगी कातला महू रिबी यूना कसीरुन। या कातला फेल है रिबी यूना इसका फाइल है माहू जर्फ और मुजाफिल होकर मफूल फी बन गया कातला का और कसीर का लफ्ज जो है ये सिफत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है रिबी यून की तो गोया कातला फेल अपने फाइल और अपने मफूल फी से मिलकर जुमला फेलिया होकर महलन मरफू खबर बना मुफ्ता के लिए और फिर मुफ्ता अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया तो यूं इस जुमले को हम एनालाइज कर सकते हैं और तर्जुमा करना चाहें तो हम कुछ यूं करेंगे और कितने ही नबी हैं जिनके साथ बहुत से अल्लाह वालों ने मिलकर जंग की उसके बाद जो दूसरा जुमला है वो है फमा वाहनू लिमा फी असाबाह को हम आतफा करार दे देंगे माँ हरफु नफी जैसे कि हम कह चुके हैं वाहनू फेल बैल वाहफो मुतसिल इसका फाइल है लाम हरफू जर है जिसके बाद माँ इसमें मौसू महलन मजरूर करार दिया जाएगा और मा इस मौसूल का जो सिलत मे वो है असाबाहमौसूल को एनालइज करो तो असाबा फेल बा फाइल हुआ ज़मीर मरफू मुतसिल इसका फ़ाइल है हु जमीर मनसूब मुतसिल मफूल ही और फी सबी जार मजरूर मतलब असाबा फेल के यू असाबा फेल अपने फ़ाइल अपने, अपने मफूल ही और अपने मुतल से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिलतुलमौसूल बना माए इसम मौसूल के लिए और माँ इसम मौसूल अपने स्लतुलमौसूल से मिलकर महलन मजरूर हुआ लामे जारा के लिए और लामे जारा अपने मजरूर से मिलकर मुतल हुआ वाहनु फेल के और फिर वाहनु फेल अपने फाइल और मुतिक से मिलकर जुमला फेलिया हुआ और इस जुमले का अतफ़ हम करेंगे कातला फेल पर और तर्जुमा करेंगे हम इस हिस्से का और वो कमज़ोर ना हुए उस पर जो उन्हें अल्लाह के रास्ते में पहुंचा यानी जो तकलीफ उन्हें अल्लाह के रास्ते में पहुंची उस पर वो कमजोर ना हुए अगला हिस्सा जो है वह माँ दाऊ फू वो करार दे देंगे माँ उसी तरह नाफिया दाऊफू फू फेल बा फाइल वाह जमीन मरफू मुतसिल इसका फाइल है फिर अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर इसका जो है माँ वाहनु वाले जुमले पर हो जाएगा और तर्जुमा करेंगे और ना वो सुस्त हुए उसके बाद अगला हिस्सा व जमीर वा मा इसका फाइल है और फिर फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर इसका भी अर्थ हो जाएगा पिछले जुमले पर और तर्जुमा करेंगे और ना वो दबे यूमद ये तीन जुमले हमारे अनाल और आखिरी जुमला जो है शायद का वो है वाहना जिसमें हम वाऊ को मुस्तानफा करार दे देंगे इसमें जलाला मुफ्त है जिसकी ख़बर की जगह पर एक जुमला फेलिया आ रहा है जो है युह्बरीना युहब फेल बा फाइल है वह जमीर मरफूह मुतसिल इसका फाइल और असाबीरना मफुल बही फेल अपने फाइल और मफुल बही से मिलकर जुमला फेलिया होकर महलन मरफू खबर बना मुफ्ता के लिए और मुफ्ता अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया बन गया और तर्जा करेंगे और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है

माँ दाउफू वाला जुमला फी महलफ मातूफा ला जुमला मा वहानू मस्तकानु वाला जुमला फी महेरफ मातूफा ला जुमला माँ युहिब्बु वाला जुमला ला इस्तेनाफिया, और युहिब्बु साबरीना वाला जुमला फी महलरफ खबर मुफ्तदा इसमें जलाला। तो अहमदुल्ला जी वर्किंग मैच होगी हमारी हंड्रेड परसेंट साफी साहब की वर्किंग के साथ अब रह गया इस आयत का तर्जुमा तो तर्जुमा भी मैं आपको सुना देता हूँ इस आय का तर्जुमा कुछ यूं किया गया है वय नबीन का और कितने ही नबी हैं जिनके हमरा बहुत से रब वालों ने जंग की फमा वहनू लिमा असाबाह तो ना उन्होंने उस मुसीबत की वजह से हिम्मत हारी जो उन्हें अल्लाह की राह में पहुंची वमा दाउफू और ना वो कमजोर पड़े व मस्तकानू और ना उन्होंने आजी दिखाई वाहिब साबरीन और अल्लाह सब्र करने वालों से महब्बत करता है तो लब्दुल्लाह जी आज के लेक्चर में सुरेयाल इमरान के आयत नंबर 146 हमने मुकम्मल कर लिया इनशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगले आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी सुबहानकअल्लाह हुमवाब विहम्दी का अश्क दुल्लाह इलाह इल्लान्ता अस्तकफिरु का वतुबु इलेइक